हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 2 MCQs बताऊंगा लीनियर अलजेब्रा पर, और ये CSIR नेट जून 2017 का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड आई बी द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो चीज कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ एक रिजल्ट दिया हुआ है 6A inverse इक्वल टू A into A square प्लस B into A प्लस C into I, जहाँ ABC रियल नंबर है। अब इसी ABC स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर चार ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा यही हम लोग को पता करना है। तो इसको बनाने के लिए दो मेथड है, एक तो स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड में आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए का स्क्वायर निकाल लेना है, और फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का स्क्वायर निकालने के बाद ए स्क्वायर ए और यहाँ आई यूनिट मैट्रिक्स पुट करके लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल करके राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को इक्वल करेंगे, वहाँ से ABC के इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके ABC निकाल लेंगे। तो एक तो स्टैंडर्ड मैथड जो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि ए इन्वर्स निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो उस मैथड का यूज हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, यहाँ पर एक ट्रिक से बनाते हैं। अब ये ट्रिक क्या है जरा समझिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि 6A inverse इक्वल टू A into A square प्लस B into A प्लस C into I, इसी का यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से A जो है वो इन्वर्टिबल है, निश्चित रूप से A इन्वर्स निकल रहा है, तो A इन्वर्टिबल है। ऐसा करते हैं हम लोग दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6A inverse into A equal to I हो जाएगा। यहाँ पर अगर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A into A cube प्लस यहाँ पर B into A square प्लस C into I into A बराबर A मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इस 6I को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से A into A cube प्लस B into A square प्लस C into A minus 6I equal to 0 हो गया। अब आप A से प्रत्येक में डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा A cube प्लस B divided by A into A square प्लस C divided by A into A -6 divided by A into I equal to ये 0 मैट्रिक्स हो गया। अब जरा समझिए, ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा वो थर्ड डिग्री का एक इक्वेशन बनेगा। तो यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा, यहीं से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम से कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ X cube प्लस B divided by A into X square प्लस C divided by A into X minus 6 divided by A equal to 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो मैट्रिक्स ए तो जरूर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, और ये थर्ड डिग्री का ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो थर्ड डिग्री का जो इक्वेशन बनेगा यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता चल गया, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम लोग निकालने का तरीका जानते हैं। क्या होता है, x क्यूब होता है यहाँ पर माइनस ट्रेस ऑफ e इंटू एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पर लिखते हैं डायगोनल एलिमेंट का कोफैक्टर का सम a11 प्लस a22 प्लस a33 और इंटू एक्स प्लस यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ e इक्वल टू 0। ये ट्रेस निकालने का तरीका होता है। तो ट्रेस क्या है, आप देखिए अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना चाहें तो ट्रेस यहाँ से पता चल जाएगा। ट्रेस जो है वो डायगोनल एलिमेंट का सम हो जाता है, तो 1 में -2 ऐड करेंगे तो -1 और -1 में फिर -3 ऐड करेंगे तो -4, और यहाँ पर माइनस और खुद माइनस है तो +4 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। अब इधर जो भी हो अभी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए ये आया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो निकाल रहे हैं वो ऐसा निकल रहा है। तो आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर b/a आ रहा है और यहाँ पर है 4, तो b का वैल्यू यहाँ से आ रहा है b=4a। इसका मतलब a और b के बीच एक रिलेशन निकल गया। a और b के बीच कौन सा रिलेशन आ गया कि a का 4 times जो है वो b के इक्वल होगा। अब ऑप्शन जो दिया हुआ उस ऑप्शन में देखिए कि a में 4 से मल्टीप्लाई करने पर b आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a है, ये b है और ये c है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आ रहा है,
यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आ रहा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। इसका मतलब ये तीन ऑप्शन तो ट्रू नहीं होगा, ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा। यहाँ से पता चल गया, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब अगर आप आगे और भी वेरीफाई करना चाहते हैं, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू इंडिविजुअल निकालना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, ये निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, A11 मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप 1 का पहले माइनस कोफैक्टर निकाल लीजिए, तो 1 का कोफैक्टर ये वाला यहाँ से डिटर्मिनेंट से आएगा, तो कितना आएगा, ये 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 6 हो गया। फिर A22 का निकालना है, इसका निकालना है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और दिस इंटू दिस माइनस 3, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 3। और फिर A33 इसका निकालना है, तो 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा, और ये तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस 2। अब ये तीनों का सम करेंगे, 6 माइनस 3 और माइनस 2, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1, तो 1 आ रहा है इस तीनों का सम। इसका मतलब यहाँ पर जो एक टर्म आएगा वो आएगा 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स मतलब सी बाय ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, सी बाय ए इक्वल टू 1 इम्प्लाइज सी इक्वल टू ए आ रहा है, तो सी इक्वल टू ए हो गया, ए और सी दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ पर ए और सी जो है फर्स्ट एंड लास्ट वाला इक्वल आ रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप डिटर्मिनेंट निकाल करके एक और रिलेशन निकल जाएगा, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसी से पता चल जा रहा है। आप अगर चाहें तो डिटर्मिनेंट भी निकाल ले सकते हैं, और डिटर्मिनेंट जो भी आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 6 बाई ए के बराबर आ जाएगा डिटर्मिनेंट, तो उससे ए निकल जाएगा, और ए निकल जाएगा तो यहाँ से बी निकल जाएगा, और यहाँ से सी निकल जाएगा, ए का वैल्यू पता रहेगा, तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रू है, तो एक ऑप्शन ट्रू है, तो यही ऑप्शन जो है वो ट्रू आ रहा है। यहाँ से हम लोग सिर्फ ट्रेस निकालने से ही पता चल गया था, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से आप बना सकते हैं बहुत ही कम समय में, आप इस सवाल को 60-90 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, आइगन वैल्यूज निकालना। एक तो स्टैंडर्ड मेथड होता है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल लेना पड़ेगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेना पड़ेगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लंबा होगा। फिर यहाँ पर हम, मैं एक ट्रिक से बता रहा हूँ इस सवाल को कि कैसे आइगन वैल्यूज इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ, उस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप इसके रो को ऐड कीजिए, 1+1 2, 2+2 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 1-2-1+5 4 आ रहा है, और यहाँ पर भी 2+5 7, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं 4, प्रत्येक रो का सम जो है वो 4 आ रहा है, तो एक आइगन वैल्यूज तो 4 आ जाएगा। अगर ऐसा हो कि प्रत्येक रो का जो सम है वो अगर सेम आ रहा है, तो जो भी नंबर आ रहा है वही एक आइगन वैल्यू हो जाएगा, एक आइगन वैल्यू तो निकल गया। अब मान लेते हैं कि इसका 3 आइगन वैल्यू है, λ1, λ2, λ3, तो तीनों का सम किसके बराबर आएगा, तीनों का जो सम होता है वो ट्रेस ऑफ ए के बराबर आता है, मैट्रिक्स का ट्रेस। और ट्रेस क्या है, 1-2, -1, -1, -3, -4 हो जाएगा, जिसमें से एक वैल्यू, एक लेमडा का तो वैल्यू पता है, तो मान लेते हैं λ1 का वैल्यू 4 है, और +λ2+λ3 = -4 हो गया, ये 4 उधर ले जाते हैं, तो λ2+λ3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8। तो एक आइगन वैल्यू 4 आ रहा है, और बाकी जो दो आइगन वैल्यू है, इस दोनों आइगन वैल्यू का सम -8 होना चाहिए। अब ऑप्शन में आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, एक आइगन वैल्यू 4, तो ये तो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 कोई भी नहीं है, यहाँ पर 4 है मतलब ये हो सकता है, यहाँ पर 4 है ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी 4 है तो ये भी हो सकता है, तो एक तो एलिमिनेट हो गया। अब तीन बचा, तीन में से कौन सा ट्रू होगा, तो अब ये देखिए कि दो आइगन वैल्यूज का, बाकी जो दो आइगन वैल्यूज है उसका सम -8 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये बाकी दोनों का सम तो -8 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों का सम जो यहाँ पर दो रूट आ रहा है, आइगन वैल्यूज जो आ रहा है -4+√13 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है -4+√13,
तो ये दोनों का सम माइनस एट आ रहा है क्या? ये प्लस रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 13 कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर माइनस एट आ रहा है। तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी दो आइगन वैल्यूज का सम माइनस एट आ रहा है और एक आइगन वैल्यूज 4 है, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो ट्रू होगा। आप इसको चेक कर लीजिए, ये भी इलिमिनेट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो जो आइगन वैल्यूज है, एक तो 4 है और बाकी जो दो है माइनस 2 प्लस 2 रूट अंडर 17 और एक है माइनस टू रूट अंडर 17। ये दोनों का जो सम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस फोर आ रहा है, तो दोनों का सम आना चाहिए माइनस एट और यहाँ आ रहा है माइनस फोर। इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये सब ट्रिक का यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।